बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम विंडोज स्टोर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में डाटा कैशिंग एंड ड्यूरिंग नेटवर्क ऑपरेशन से बात करेंगे। डाटा कैशिंग बेसिकली है क्या? कैशिंग नेटवर्क कंटेंट एज ऐप डाटा। इफ योर यूजर स्टोर डाटा ऑन अ डिस्क, दे इनेबल द ऐप टू वर्क विद स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर आपका डाटा जो है आप अपनी हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं तो उसका एक ही मेन मकसद होता है कि आपकी अपनी स्पीड को वो तेजी है और वो फ्लूडिटी के साथ वर्किंग करे। मतलब एक डिसकनेक्टिविटी का कंसेप्ट नहीं होता जब आपकी हार्ड डिस्क पे डाटा। दिस विल हेल्प इफ द ऐप टर्मिनेट्स अनएक्सपेक्टेडली ऑफ देयर इज अ यूजेज रिस्ट्रिक्शन। आप कई दफ़ा जैसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो कहता है नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो वो शट डाउन हो जाता है। बट आप जब दोबारा खोलते हैं तो आपका जो डाटा है वो आपको दिखाता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपने किया था, आप इसको स्टोर कर लें। इफ द ऐप दैट रीड फीड्स फ्रॉम द आरएसएस सर्विसेज कैन शो फीड्स कैश टू अ डिस्क फ्रॉम अर्लियर सेशंस। अगर आप लोगों में से किसी का तजर्बा आरएसएस फीड्स का है तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि आरएसएस फीड तो कंटिन्यूसली मूव कर रही होती हैं, मतलब रीड कर रही होती हैं, तो उनको वो कैशे के अंदर से चेक करना। When the latest feed is available, the app updates the data. और जैसे ही उसको लेटेस्ट फीड मिलेगी तो वो उसके मुताबिक अपने डाटे को अपडेट कर देगा। This will ensure that a user can view some content immediately after the launch. Windows 8 enable the class application data in the window.storage namespace। और इसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है कि ये वो मेन क्लासेज होती हैं, नेम स्पेसेज पैकेजेज होते हैं जिनकी मदद से आप अपने चीज़ों तक पहुँचते हैं। The class give access to the Windows Store application data. Application data is mutable and is specific to specific type of app. The app data contains user preferences, runtime state and other similar settings. App data is deployed, viewed, modified and removed from within the when an app is functioning. Local files get saved on the local machine. और ये जो फाइल्स होती हैं ये किसी के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होते। सिंक्रोनाइज के ऊपर भी मैंने आपसे कई दफ़ा बात की कि जो डाटा आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल अटैच करते हैं तो डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देता है अपनी फाइल्स। टेम्पररी फाइल्स कैन बी डिलीटेड व्हेन दे आर नॉट इन यूज, द सिस्टम डिसाइडेड टू डिलीट द डेन पेंडिंग वेदर देयर इज अ डिस्क स्पेस एंड हाउ ओल्ड द फाइल। जैसे आप लोग कुछ फाइल्स वो करते हैं जैसे कि खास तौर पे जब आप इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स को देखते हैं तो टेम्पररी फाइल्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। इनको डिलीट करने की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है और वो ये डिसाइड करता है कि कब उसको डिलीट करना। एक होती है रोमिंग, सच फाइल गेट सिंक्रोनाइज विद ऑल द डिवाइसेज दैट साइन इन विद कनेक्टेड अकाउंट, जैसे कि वन ड्राइव हो गई आपकी और जितने भी गूगल ड्राइव है, आपकी मेल सिंक्रोनाइज हो जाए, आप आउटलुक एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, ऑल विल बी सिंक्रोनाइज, दे साइन इन विद कनेक्टेड अकाउंट्स। रोमिंग इज नॉट इंस्टेंटेनियस, दे शुड बी श्योर टू कीप द यूजेज लोअर देन द कोटा। और वो आपका एक जो कोटा बना होता है, जैसे आप सबको पता है कि अगर 8 GB या 10 GB गूगल ड्राइव देती है तो आप अपनी फाइल्स को उस कोटे से ऊपर नहीं लेके जा सकते। Initially they define a reference to the roaming folder, then the cache response file helps to create a new file in the roaming folder. It shows that an existing file with the same name as the previous one must be overwritten. The new server response.txt file is created based on the file originally created from the response of the server. अब ये कोड स्निफ्ट है कैशिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सर्वर। वेरिएबल हमने एक बनाया जी रोम फोल्डर इज इक्वल टू विंडो डॉट स्टोरी डॉट एप्लीकेशन डाटा डॉट करंट डॉट रोम फोल्डर।
अभी हमने ऊपर तीन बातें की, एक लोकल की बात की, और उससे पहले हमने आपसे कहा कि विंडो डॉट स्टोरेज वो जगह है जहां से आप नेम स्पेस है, जहां से आपका तमाम, और आपने देखा कि हमने विंडो डॉट स्टोरेज डॉट एप्लीकेशन डाटा, क्योंकि हम इसी के पढ़ रहे हैं, डॉट क्रंच डॉट रोम इसके ऊपर है। वेरिएबल फाइल का नेम आपने सर्वर रिस्पॉन्स डॉट टी एच टी जो भी फाइल है उसमें रख दें। हर एक की एक फाइल होती है जहां से वो अपने आप को, जैसे कुकीज की एक फाइल होती है, हर एक की एक फाइल जिसके अंदर सर्वर के रिस्पॉन्सेज आ। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन कैशे रिस्पॉन्स स्ट्रिंग रिस्पॉन्स रोम फोल्डर डैट डॉट क्रिएट फाइल एसिंक्रोनियस फाइल नेम विंडो डॉट स्टोरेज डॉट क्रिएट कलेक्शन ऑप्शन डॉट रिप्लेस एग्जिस्टिंग डॉट डन फंक्शन फाइल रिटर्न विंडो डॉट स्टोरेज डॉट फाइल इनपुट आउटपुट डॉट राइट टेक्स्ट एसिंक्रोनियस। मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को पीछे एक जगह के ऊपर फाइल के साथ डायरेक्टरी के ऊपर ये फाइल इनपुट आउटपुट का मैंने करवाया था कि जिसके जरिए आप अपनी फाइल तक पहुंच सकते हैं, फिर फाइल क्रिएट भी की जाती है। जावास्क्रिप्ट के अंदर फिर हमारी आ जाएगी जी, द यूजर कैन यूज दिस एक्सेस कैशे रिजर्व सर्वर रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट फाइल लेटर। अब आपने उसी फाइल को दोबारा से चेक करना है तो फंक्शन आपका गेट कैशे रिस्पॉन्स रॉम फोल्डर डॉट गेट फाइल एसिंक्रोनियस डॉट देन फाइल फंक्शन फाइल रिटर्न विंडो डॉट स्टोरी डॉट फाइल इनपुट आउटपुट डॉट रीड टेक्स्ट एसिंक्रोनियस। और आपने इस फंक्शन को बनाया, लेकिन ये कोड करता क्या है? शो द कैशिंग ऑफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सर्वर ए डॉट टेक्स्ट, एक फाइल बना के उसके यहां से इसको रीड इसने करना है एंड देन उस फाइल को पढ़ना है। If the app terminates or is relaunched, a caching content or the app data that is available in the server response will allow quicker extraction display. अगर आपकी एप्लीकेशन जो थी वो अचानक किसी वजह से अब नॉर्मली शट डाउन हो गई है या बंद हो गई है, तो ये इसका काम ये है कि उसको रिस्पॉन्स को सर्वर से लेके आए। Staying connected in the background. The background network connectivity features available in app are typically written in JavaScript and HTML. The user need to understand how to configure these background connectivity options. एक है जी IXML HTTPR request to. This allow access to the web resources that use an extension to the XML HTTP request object. System.net.http. This enable connections made to web services by using a modern web client. Prerequisite, they will apply the information given here to a connected resource to an app. The connection depends slowly on the network connection. Similarly, हम इन्होंने टॉपिक तो ऐड किया है, लेकिन जब तक हम कोई ऐसी नेटवर्क एप्लीकेशन की कोई ना बनाए जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड हो, और वो तब तक ये सारी चीज नहीं होगी। लाइफ साइकिल मॉडल और विंडो स्टोर एप्स। विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड अ न्यू लाइफ साइकिल मॉडल फॉर ऑल द विंडो स्टोर एप्स। दिस मॉडल इनहेंसेस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन एप रनिंग इन द फोरग्राउंड। आप लोगों को एक क्वेश्चन भी इस तरह ही आया था, एक होता है सस्पेंडेड करना, एक होता है टर्मिनेट करना। सस्पेंड से मुराद ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन जो, जैसे इस वक्त ये मेरे पास एप्लीकेशन है, ये इन द स्क्रीन में बैकग्राउंड में रन हो रही है, लेकिन इसको मैंने अब जब इसको ऊपर क्लिक करूंगा देन ये अपने आप उसकी मेमोरी में आ जाएगी। It also reduces the power that a computer consumes to enable the real-time networking scenario for apps that are written in JavaScript language remain connected. Following are the new features available, जैसे background task, system trigger for session connected, time triggers, window notification services, raw push notifications. The features support continuous connectivity for app that must receive raw push notification when an app is suspended.
अगर आपकी एप्लीकेशन सस्पेंडेड भी हो तब भी वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वर से लेता रहता है। सच एप्स आर आल्सो ऑलवेज अवेलेबल, मैनी अदर टास्क दैट रन इन द बैकग्राउंड फीचर मे आल्सो बी यूज बाई द ऐप। अदर ट्रिगर्स दैट कैन बी यूज बाई द ऐप आर एज फॉलो, ट्रिगर फॉर मेंटेनेंस, आपने कोई मेंटेनेंस करनी है उसके लिए आपका ट्रिगर चल रहा, ट्रिगर्स फ्रॉम आर सिस्टम फॉर यूजर्स एंड सेशंस, ऑनलाइन आईडी चेंज, यूजर सेशन इज कनेक्टेड डिसकनेक्टेड एंड यूजर इज प्रेजेंट और अवे, सिस्टम ट्रिगर्स फॉर द नेटवर्क स्टेटस, जैसे अभी अवे के ऊपर बात है, अगर ये मैं स्काइप है तो जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटस करो, ऑफलाइन स्टेटस, अवे, ये सारे के सारे इसी तरीके से उसको आइडेंटिफाई होते हैं कि हम किस तरीके से अपनी नेटवर्क एप्स को यूज कर। सिस्टम ट्रिगर्स फॉर लॉकिंग द स्क्रीन, आप जैसे कंट्रोल ऑल्ट डेल मारते हैं तो आपकी नेटवर्क, तो आपकी सिस्टम जो ट्रिगर है वो लॉक कर देता है आपकी स्क्रीन को। दे कैन यूज टाइम ट्रिगर, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा स्क्रीन सेवर आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, अगर आपने दो मिनट तक अपनी स्क्रीन को टच नहीं किया तो ऑटोमेटिकली या तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, इस तरह की आप जो कितनी कंडीशन लगाते हैं, आप कहते हैं दो तीन मिनट तक ना लगाएं तो मेरी पावर जो है वो सेफ मोड में चली जाए, इस तरह की जो भी कंडीशन आप लगाते हैं जिसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, तो टाइम ट्रिगर इफ द ऐप रन मस्ट रन फॉर अ शॉर्ट टाइम एट एन इंटरवल, दे कैन यूज अ सिस्टम ट्रिगर व्हेन एन ऐप मस्ट कीप टैब्स और इवेंट्स, दे कैन कंबाइन मल्टीपल ट्रिगर्स इन एन ऐप टू इनेबल डिफरेंट सिनेरियो। रिक्वायरमेंट्स टू रिमेन ऑलवेज कनेक्टेड, एक होना चाहिए जी लॉन्ग रनिंग प्रोसेस, दिस इंश्योर दैट एन इनकमिंग नेटवर्क नोटिफिकेशन इज रिसीव एंड क्विकली प्रोसेस्ड, लॉन्ग रिमेन नेटवर्क कनेक्शन टू एनी एंड पॉइंट दैट इज रिमोट, दिस टेक्निक इंश्योर दैट एन ऐप कैन सेंड एंड रिसीव डाटा एज एंड वैन रिक्वायर्ड। लॉक स्क्रीन इन द विंडो स्टोर एप्स यूजिंग WNS इन विंडो स्टोर एप्स, WNS is a cloud services that Windows Store app use to get notification to perform many actions. WNS is hosted by Windows 8 and can help them to update a live title. Live title से मुराद अगर आप यहाँ पे Windows 10 में आएँ तो इस वक्त आपकी ये जो information हैं ये automatically live update हो रही होती है, news जो है हालांकि ये background में working कर रहा है, हमने इस app को open नहीं किया हुआ था but still इट इज अंडर द प्रोसेस और ये अपनी फीस जो है वो बार बार ले रहे हैं। अगर आप लोग भी जाके देखें तो आपको ये जो करंट इंफॉर्मेशन हो रही होती है ये ऑटोमेटिकली नेटवर्क से आपका कनेक्शन लेता रहता है और उसके मुताबिक आपकी ये जो फीस है उनको तब्दील करता रहता है, यानी आपने देखना होगा किस तरीके से ये वर्किंग कर रहा है। एंड अच्छा टू यूज WNS सर्विसेज देयर लोकल मशीन शुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो लोकल मशीन है हर वक्त कनेक्टेड है। मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि हमें अभी कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम ऑटोमेटिकली पहले इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टिविटी सीखें एंड देन हम फिर एक उसमें से RSS फीस लेते रहें तब इस चैप्टर का जो कि है WNS का वो कंसर्न पूरा हो सकता है। दे शुड यूज WNS इफ दे मस्ट रन अ कोड रिस्पॉन्ड टू द पुश नोटिफिकेशन फॉर द एप्स। The use of the WNS services can help improve the power efficiency rather than using the available network triggers in the app that are written in C++, XAML, .NET Framework 4.5. These apps are written in C# and web language. अच्छा अब इसमें कौन कौन सी चीजें, it offer a very powerful solution to deliver notification for lock screen apps, जिसको आपने लॉक भी कर दिया तब भी बहुत पावरफुल ऑप्शन है कि वो अपनी जगह पे ये काम परफॉर्म करें। यहाँ पे देखेंगे कि ये RSS फीड जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से जो भी आपकी चूज एडिशन वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। इट मेक द डेवलपर मॉडल फॉर द ऐप सिंपलर, दे नीड नॉट मेंटेन अ परसिस्टेंट सॉकेट कनेक्शन बिटवीन अ
क्लाइंट ऐप एंड द रिमोट सर्वर. मैंने शायद आपसे सॉकेट के हवाले से बात की हो कि अगर आप नेट पे आके सॉकेट के बारे में देखें. तो ये नेटवर्किंग के सॉकेट्स होते हैं जो आप अपने घरों के अंदर, अब तो खैर आप लोग वाईफाई के कनेक्टेड भी हों, दे आर द सेम वन, उसकी कनेक्टिविटी जो है वो उसके साथ साथ हो, लेकिन जब तक आप इंटरनेट चीज के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे अभी इसको आने दें. दे डू ना नीड नॉट मेंटेन अ परसिस्टेंट सॉकेट कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट ऐप एंड अ रिमोट सर्वर. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन द कनेक्शन टू द WNS सर्विसेज. It can support most app available on the local machine. Reduces the server side operation cost as there is no necessity to maintain the TCP socket. क्योंकि जब हम लोग इंटरनेट पे काम करते थे तो हर चीज आपकी नेटवर्क के ऊपर जाती थी. Network socket is an end point in a communication flow between two program running over a network. जैसे सबसे पहले सॉकेट आएगा, फिर बाइंड आएगा, फिर रिसीव फ्रॉम, फिर वेट आएगा, प्रोसेस होगा और फिर आपकी एचटीएमएल फाइल को रनिंग दी जाएगी. सो दिस इज अ वन थिंग विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सॉकेट्स. देयर ऐप नीड नॉट बी अवेलेबल इन द कस्टमर्स मेमोरी ऑल द टाइम. कनेक्टिंग टू वेब सर्विसेज. अब नेक्स्ट है जी हमारे पास कि हमने इसको कनेक्ट कैसे करना है. To connect their app to a Windows web store services, a user can use the class window.web.http.http client. The class is a window runtime class and is available for all supported languages. जहाँ से बात है कि हमारे पास अगर नेट के जरिए हमें connectivity देनी है तो हमारे पास एक ही protocol है, that was hypertext transfer protocol. अब उसके अंदर हमारे पास दो तरह से हैं कि आइदर वी आर कनेक्टेड थ्रू द वेब और कनेक्टेड थ्रू द नेट. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ वेब एंड अ नेट. द डिफरेंस इज दैट कि अ वेब जो है वो आप ब्राउजर में ओपन करते हैं, वेबसाइट के थ्रू ओपन करते हैं, जबकि डॉट नेट से मुराद आपकी वो तमाम एप्स हैं जो कि बैकग्राउंड के अंदर इंटरनेट से आपका डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लेते हैं. जैसे स्काइप है, आप ऑटोमेटिकली उसके जरिए डॉट नेट के जरिए जाते हैं, आप उसकी वेब के थ्रू नहीं जाते. इस तरह की और तमाम एप्लीकेशन जो कि यूज करते हैं और इसमें आपको पैक्स बताए हुए हैं जो कि प्लेटफॉर्म इसके अंदर यूज कर रहे हैं. अच्छा एक बात याद रखें, आप लोगों ने वो एक एप्लीकेशन में आप लोगों को करवाने की कोशिश कर रहा था जिसमें आप लोगों का डाटा कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, कई लोगों का वहाँ पे नहीं हो पा रहा था वो लिंक के साथ. उसकी दो वजूहात थी. एक वजूहात ये थी कि विंडो भी दो तरह की है, एक है विंडो 8.1 विंडो सर्वर 2012 R2 और जिनकी तो ये पैक हुआ हुआ है यानी सर्विस पैक हुआ हुआ है उनके तो उसने वो अनेबल कर दी थी क्योंकि वो 8.1 के ऊपर थी. और जिनकी 8.1 स्टार थी, स्टार से मुराद है कि उन्होंने सर्वर 2012 R2 स्टार किया हुआ है, विंडो 8 है, विंडो सर्वर 2012, विंडो 7 SP1 है, सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2. तो इसलिए वो बेहतर ये है कि अपने पास वो इसका R2 जो है वो इनेबल करें विंडो से का 8 का, तो वो तब आपकी वो चीज जो है वो रनिंग आ जाएगी क्योंकि हमने आगे चल के लिंक भी पढ़ना है. बहरहाल फर्क जहन में रखें कि स्टार इज अ डिफरेंट विंडो एंड जिस तो पर स्टार नहीं दिया हुआ वो एक डिफरेंट विंडो. XML HTTP एक्सटेंडेड रिक्वेस्ट फॉर C++. जहां से बात है कि ये हमारे आउट ऑफ बाउंड कनेक्टिंग टू द HTTP सर्वर. If the user has to send a GET request to any web services that use these languages such as C++,
C# will be in an app, they must use the window.web.http.http client. मेरा ख्याल है कि मैंने आपको शायद बताया हुआ हो, सर्वर साइड के ऊपर ओनली टू थिंग्स वर्क करती हैं, या तो पोस्ट होती है या आपकी गेट होती है. पीएचपी जो आप करेंगे तो सिर्फ ये चीजें डिस्कशन आएंगी, लेकिन दो ही तरीके से आप अपने डाटा को एचटीटीपी से गेट कर सकते. बेसिकली एचटीटीपी जो है एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो ये आपको बताता है कि किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन जो है वो विद द नेटवर्क होगी. तकरीब समझाने के लिए नेटवर्क जो है वो बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग. इसके मैं एक इमेज दे देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो. ये जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आपके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. कुल 7 लेयर्स होती हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स की. इनमें से सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, जो आपको नजर आता है जिसमें इस वक्त ब्राउजर चल रहा है, ये एप्लीकेशन लेयर है. फिर आती है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर. ये सारी लेयर्स मिल के आपकी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं. अगर आप देखना चाहें कि किस लेवल के ऊपर कौन कौन से आपके इमेजेस आते हैं, सॉरी इमेजेस कह रहा हूँ, कौन कौन से लेवल पे कौन कौन से प्रोटोकॉल जो हैं. प्रोटोकॉल क्या चीज है? प्रोटोकॉल बेसिकली एक मेथडोलॉजी है जिसके तहत आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं. दिस इज अ लेयर. अगर आप इसको देखें तो 7 प्रोटोकॉल की लेयर जी, बिग टॉरेंट, बीजेपी, बूट, डीएनएस, डीएचसीपी, एफटीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, आईमैप, एलडीएपी, एमआईएमई. मेरा ख्याल है अगर आप लोगों ने इसमें से कोई नाम सुना ही हुए होने चाहिए तो वो होने चाहिए एचटीटीपी, एचटीटीपीएस. एस से मुराद सिक्योर है. आप लोगों ने एफटीपी का नाम सुना होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. आपने एसएमटीपी का नाम सुना होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. लेकिन इसके टेलनेट भी शायद अगर किसी ने यूज किया हो तो POP3 बेसिकली मेल्स के लिए होता है. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं इसको. NNTP नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो बहुत सारे प्रोटोकॉल की हर एक की अपनी अहमियत है. ये हर एक के साथ साथ ये वर्किंग करते हैं और अपने इमेजेस जो हैं वो इसके साथ लगाते हैं. अगर हम अब आगे चलें कि HTTP के अंदर बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है तो वो आपको देखें HTTP फंक्शनैलिटी MSDN के ऊपर देखें. तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के तहत इसका काम एक जगह से दूसरी तरफ, द वेब सर्विस प्रोवाइडेड अ लिमिटेड सेट ऑफ HTTP और हेड एंड गेट मेथड्स आर सपोर्टेड डायरेक्टली ISAP फिल्टर्स, ISAP एक्सटेंशंस एंड एक्टिव सर्वर पेजेस ऑल हैव एक्सेस टू डाटा दैट कैन बी रीड फ्रॉम द पोस्ट हेड. तो बेसिकली इसके हेडर्स बने हुए हैं. हेडर्स क्यों बने हुए हैं? इसके पोर्शंस होते हैं. हर एक प्रोटोकॉल जो होता है उसका एक तरीकेकार होता है, जिस तरीकेकार के साथ वो दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. यानी अब इसकी मिसाल के ले लें कि क्या एक दूसरे मुल्क का एक आम सफीर की ये हैसियत है कि वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से ये बात कर सके, या किसी आम सिपाही की ये जरूरत है कि वो डायरेक्ट अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात कर सके. तो प्रोटोकॉल होते हैं. हर एक चीज का एक मुतय्यन शुदा प्रोटोकॉल है जो कि ये डिफाइन करता है कि कम्युनिकेशन जो आपके दरमियान हो रही है. बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो या कोई भी प्रोटोकॉल हो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो, SMTP प्रोटोकॉल हो, हर प्रोटोकॉल का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर कंप्यूटर किस तरीके से होगी. वो बेशक डेल का हो, किसी भी और लैपटॉप पे हो, किसी और कंपनी का हो, कोई और ब्राउजर यूज कर रहा हो, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हो, इससे कतई नजर HTTP एक यूनिवर्सल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसका मकसद यही है कि किस तरीके से बातचीत को या कम्युनिकेशन को आपस में कवर किया जाएगा.
तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट मेथड। हाँ, आप ASP.NET कीजिए, PHP कीजिए, रूबी पाइथन कीजिए, जब भी आपने डाटा को सर्वर साइड से एक्सेस करना है तो उसके लिए आपके पास एक ही दो ही मेथड्स हैं, गेट या पोस्ट। अब गेट कब यूज करना है, जब आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन हो, थोड़ा डाटा हो, तब आप गेट को यूज करते हैं। लेकिन जैसे आपने RSS फीड भेज रहे हैं, कोई मेल भेज रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा डाटा आप भेज रहे हैं, तब आप उसको पोस्ट को यूज करते हैं। क्यों, फंक्शनैलिटी क्या है कि गेट जो होता है वो आपके URL का हिस्सा बनता है। जितना लंबा URL होगा उसको पढ़ना और उसको रीड करना उतना डिफिकल्ट होता जाएगा और वो स्टोर भी हो जाता है। अगर आप अपनी वेबसाइट को देखें, इस टाइम पे भी आप ऊपर देखें तो यहाँ पे ये एड्रेस आ रहा है, या ऊपर नजर आ रहा है ना पूरा का पूरा। इवन अगर आप Dareducation को खोलते हैं तो इसके अगर आप पोर्टल में जाते हैं तो ये क्योंकि PHP में बना हुआ है और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ऊपर लग रही है, क्योंकि पेजेस आगे पीछे जाने हैं, पासवर्ड वगैरह, तो ये आपका देखें कि यहाँ पे इस वक्त पोस्ट लगा हुआ है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ ऊपर ID ना आ रही हो तो आप समझ जाया करें कि ये पोस्ट का लगा हुआ है। और अगर आप हाइड भी करना चाहते हैं, आप जैसे ये मैं पासवर्ड को हाइड करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये मेरा यूजर और नेम और पासवर्ड को देखे तो मैं इसको पोस्ट के ऊपर लेके आऊंगा। ये लगाना आपका काम है, क्योंकि इस पर की जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो HTTP हेडर के थ्रू जा रही है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट जो है आपकी सर्वर पे जा रही है। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, आप कोई कोर्स लेते हैं, तो अब देखिएगा जब आपके पास उसका आगे फर्दर ना चल रहा हो और उसके आगे आपका URL का हिस्सा ना हो, जैसे लेट्स सपोज मैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो कि हमारे लिए XML जिसको हम कहते हैं, इसके में जा रहा हूँ। अब आप जरा गौर करेंगे, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि मैं इसका डेटा को रिसीव स्टोर करता या कोई चीज, तो आप देखेंगे कि view.php और फिर क्वेश्चन मार्क लग के ID=70, इसका मतलब है कि ये गेट का हिस्सा, गेट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आ रही। पोस्ट की इन्फॉर्मेशन कभी URL के हिस्से पे नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि हेड की इन्फॉर्मेशन साथ में आ रही होती है इसलिए गेट और हेड का नाम लिया गया। चलिए हम इस पर नेक्स्ट बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है, आई होप कि आपने ये चीज़ HTTP क्लाइंट को समझ ली और XML HTTP। और इसी तरीके से हमारे पास ये इतना लंबा, मैंने इसलिए आपको बताया, मेथड फॉर कॉमन वर्ब्स डिलीट, गेट, पुट एंड पोस्ट। गेट और पुट के पोस्ट के ऊपर मैंने बात की है आपसे, डिलीट और पुट ये दो मेथड्स हैं जिनका काम आपकी फंक्शनैलिटीज को रिमूव करना। सपोर्ट फॉर कॉमन ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स एंड पैटर्न्स, एक्सेस टू सिक्योर सॉकेट्स SSL। बाद वेबसाइट्स आप देखते हैं HTTP होती हैं और बाद HTTPS होती हैं, वो सिक्योर होती हैं। डिटेल्स ऑन द ट्रांसपोर्ट, एबिलिटी टू इंक्लूड कस्टमाइज फिल्टर इन एडवांस ऐप, एबिलिटी टू गेट सेट एंड डिलीट कुकीज, HTTP रिक्वेस्ट प्रोग्रेस इन्फो अवेलेबल ऑन सिंक्रोनियन सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा, अब हमने एक वो एक एंड सो ऑन रिक्वेस्ट टू द वेब रिक्वायर्ड वेब सर्विसेज, वो आपसे ये कह रहा है कि आप एक विजुअल स्टूडियो 2012 का जाएं, एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करें, फ्रॉम द लिस्ट टेम्पलेट सेलेक्ट विजुअल C#, C++, जो भी आपने करना। अंडर द रेलिवेंट सेक्शन आप एक ब्लैंक एप्लीकेशन लें, फॉर द नेम ऑफ द एप्लीकेशन आप रखेंगे HTTP क्लाइंट एंड देन क्लिक ओके। अब इसके बारे में समझे, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, ये इतना इशू कोई नहीं है। आपने ये काम बहुत दफा करते हैं, आप मैच्योर हो चुके हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाएं, योर C# में, स्टोर में, ब्लैंक ऐप में, लेट्स सपोज वो क्या कह रहा है HTTP क्लाइंट गेट, एक फाइल बना लें जी, जी अच्छा जी। अब हमें क्या करना है जी, द यूजर कैन सेट द नेटवर्क कैपेबिलिटीज फॉर दिस ऐप एंड गिव एक्सेस टू एनी नेटवर्क। फॉर द ऐप दे विल हैव टू इनेबल अ नेटवर्क कैपेबिलिटीज एज देयर क्लाइंट विल बी लुकिंग फॉर वेब सर्विसेज।
अब ये उसी सूरत में कि जब आपका क्लाइंट जो है वो कुछ वेब सर्विसेज जो है वो बनवाना चाहता है, द यूजर विल नीड इंटरनेट कैपेबिलिटी इफ द ऐप हैज टू कनेक्ट एज अ क्लाइंट टू द वेब सर्विसेज, एनी प्राइवेट नेटवर्क कैपेबिलिटी विल बी नीडेड इफ द ऐप वांट्स टू कनेक्ट द क्लाइंट। अब इससे बात ये कि लेट्स सपोज 15-20 कंप्यूटर आपस में पड़े हुए हैं और आप एक नेटवर्क के जरिए उनको आपस में ऐप को कनेक्ट करना चाहो, तब आपको ये जरूरत होगी। Add XAML user interface. The user first define the app layout in XAML. They specify the size and the position of each object. ज़ाहर है आप लोगों को XAML का user interface बनाना आता है। A horizontal stack panel containing a text block for a label, text block for the input URL address and button used to start the asynchronous. वो basically क्या लेना जी, एक stack panel बनाना है हम लोगों ने और उसके ऊपर क्या करना है, हमने एक text box दे देना है और जिसका नाम हमने क्या लेना है, टेक्स्ट बॉक्स का कंटेनिंग फॉर अ लेबल जिसका आप यूआरएल लिख देना, फिर एक हॉरिजॉन्टल लेना है जी फॉर अ लेबल एंड अ टेक्स्ट बॉक्स फॉर द करंट स्टेटस, स्टेटस पैनल कुछ इस तरह से मेन पेज डॉट XAML की फाइल आपकी बन जानी चाहिए। जब आप इस पर क्लिक करके यूजर इंटरफेस पे आएंगे तो आपका ये पेज के पीछे कोई कोडिंग, ये इसने एक स्कीमा दिखाया हुआ है, ये तीन वर्टिकल हॉरिजेंटल उसने बनाए हैं, फॉन्ट साइज, यूआरएल एड्रेस, इनपुट एड्रेस, contoso.com ले रहा है, हाइट लिए, वेट लिए, बटन बनाया है उसने, तो ये एक स्टैक पैनल बना के ये उसकी एक लुक बना रहा है और इसको मुझे बताने की आई थिंक सो की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग इससे वाकिफ हैं। असल मेन चीज यहाँ पे आ जाती है, क्रिएट द एचटीटीपी क्लाइंट जो आपकी कोडिंग है, क्योंकि आप लोग इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं और आपने इसको डिजाइन करके मुझे देना भी है। द यूजर कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड window.web.http.http क्लाइंट ऑब्जेक्ट एंड देन एड अ यूजर एजेंट हेडर। इसका मतलब ये है कि आपने इसके पीछे जब बटन के पीछे कोडिंग करेंगे, पेज के पीछे वाली जो कोडिंग है मेन पेज डॉट XAML डॉट CS के अंदर, तो सबसे पहले आपको पता है कि ये यूजिंग से मराद तमाम के तमाम पैकेजेस को लेके आने हैं, तो यूजिंग सिस्टम विंडो डॉट वेब HTTP, ये जो अभी हमने बात की, हेडर से बेसिकली क्या आएगा, गेट और पोस्ट की कमांड आएंगी, .XAML और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया। अब हमने तीन दो वेरिएबल इसने बनाए हैं, प्राइवेट HTTP क्लाइंट एंड HTTP रिस्पॉन्स मैसेज और डॉट इनिशलाइज कंपोनेंट और न्यू HTTP क्लाइंट और फिर वेरिएबल हैडर इज इक्वल टू डॉट डिफॉल्ट रिक्वेस्ट हैडर्स। सिंस यू यूज नो दिस थिंग, जब आपके पास ये आ जाएगा हैडर्स डॉट यूजर एजेंट डॉट प्रेस एड आई हैडर्स डॉट यूजर एजेंट डॉट पास एड, तो आपका कंपैटिबल जो मोड है उसके साथ ये पूरी लाइन आपने लिखी। नेक्स्ट आपके पास आएगा सेंड द गेट रिक्वेस्ट एंड रिसीव द रिस्पॉन्सेज। आई होप यहाँ तक इनफ है, अब आपकी अटेंडेंस लगा दें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।